हेलो एवरीवन वेलकम टू स्किल बस एम अतिथि गोयल विल सी व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड लेम्बॉगनी लेम्बॉगनी कैसे स्टार्ट हुई क्या हुआ एंड हाउ कैन वी यूज रिवेंज इन राइवलरी एज़ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी दो बहुत अच्छी कार्स होंगी उनके बीच में हमेशा कंपटीशन होगा राइवलरी होगी बट लम्बॉगनी एंड फरारी के बीच में जो राइवलरी है वो बहुत पुरानी है एंड काफ़ी पहले से चल रही है एंड अभी भी एग्जिस्ट करती है सो वी विल सी इन दिस वीडियो कि क्या थी कैसे स्टार्ट हुई वॉट इज द बैक स्टोरी उससे पहले वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट उनके पास्ट के बारे में क्या बैकग्राउंड था सो ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जहां पे फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स होती थी ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मकैनिक्स तो उन्होंने फार्मिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया ऑल्सो ही ज्वाइंड एयरफोर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू उसके बाद जब वो वहाँ से आ गए हैं फोर्स के बाद तो उन्होंने ओल्ड मिलिट्री मशीन्स को ही एग्रीकल्चर सप्लाईज़ में कन्वर्ट करने का ट्राई किया जैसे कि ट्रैक्टर्स बनाने का सो दैट पर्टिकुलर थिंग उन्होंने ट्रैक्टर्स बनाने का ट्राई किया वाज अ बिग सक्सेस उससे वो काफ़ी वेल्दी बिजनेसमैन हो गए ट्रैक्टर बिजनेस में ही एंड ऑबियसली यू नो अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा होगा वेल्थ आएगी तो वो इंसान कार खरीदता है सो ही ऑल्सो बॉट सम लग्जूरियस कार्स वन ऑफ देम वॉज फरारी उन्होंने इतनी सारी कार्स में से एक फरारी खरीदी थी फरारी खरीदने के बाद उन्हें कार्स का इतना ज्यादा पैशन था कि ही ऑल्सो डू रेसिंग एंड स्टाफ उन्होंने काफी कार्स से रिलेटेड चीजें कर रखी थी बट उन्होंने देखा जब कार चलाते थे कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है कार में इफ आई वॉन्टेड टू गो फॉर रेसिंग सो so, उन्होंने देखे चेंजेस क्या क्या हैं। फरारी कार में बेसिकली उन्होंने ये देखा कि बहुत नॉइजी है ये एंड रफ है रोड पे और उन्होंने क्या चीज नोटिस करी कि इंटीरियर क्लच जो है इसका उसको बहुत जल्दी जल्दी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है सिंस ये जो थे काफी अच्छे मैकेनिक थे फिरोशी लम्बोगी सो ही डिसाइडेड टू डायरेक्टली गो टू फरारी एंड टेल कि सारे इम्परफेक्शन क्या क्या हैं कार में और किस चेंज हो सकते हैं अब उस टाइम पे फरारी वॉज अ टॉप नॉट बिजनेस मैन कार बिजनेस में सो so, उन्हें नहीं अच्छा लगा कि कोई ट्रैक्टर मकैनिक आया और उन्हें बता रहा है कि ये ये गलतियाँ हैं फरारी को लगा कि ही इज़ जस्ट सेंग रबिश और इसे कुछ भी नहीं पता है सो so, लास्ट में फरारी टोल्ड लम्बोगनी कि आई डोंट नीड एन एडवाइस फ्रॉम अ ट्रैक्टर मकैनिक एंड उस टाइम पे पर्टिकुलर दिस राइवरी जब उन्होंने ये बोला सो वट लेनी डू उन्होंने अपनी हॉबी को अपना पैशन बनाया अब तक वो सिर्फ कारबी के लिए बनाते थे लेकिन अब ही डिसाइडेड टू मेक इट इज एज अ पैशन उन्होंने क्या किया कि फरारी की इंसल्ट को एक ड्राइविंग फोर्स की तरह लिया एंड ही स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज ओन लगजूरियस कार He began to work on different models. What In four months, he came up with a car. It was a Lamborghini 350 GTV. That was a huge success. You can see this is the car. And by the end of 1964, he was able to sold 13 cars, which is a very big deal. And this is how he works revenge in his favor. This is how he proved that anything can be done if doing in a right way. Even revenge can turn out to be fruitful. So thank you so much. Let me know what other stories you want to know, what other brands you want to know. I will try my best to make those videos. This is our Instagram handle. We post here regularly about updates, current affairs, different different things. And this is our website. We actually have many courses here related to skills related to communication and different different things so please visit us thank you